नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में आने वाला हमारा जो छठा पाठ है जिसका नाम है न्याय। न्याय का मतलब होता है इंसाफ। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पाठ के बारे में यहाँ पर लिखा गया है वह जान लेते हैं। इस कहानी में चातुर्य की बात है। हमारा यह जो पाठ है वह एक कहानी है। इस कहानी में चातुर्य की बात है कि चतुर व्यक्ति है वह कैसा होता है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपने सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। एक मित्र है, वह यात्रा पर जाने से पहले अपने मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में जो सोने की मोहरे है वह उसे देकर यात्रा पे चला जाता है। और जब वह यात्रा से वापस लौटता है तो उस तेल के डिब्बे में उसे वह सोना मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। काजी यानी कि न्यायाधीश। न्यायाधीश से वह आदमी फरियाद करता है कि मैं इसके पास सोने की मोहरे इस डिब्बे में छोड़ के गया था, पर जब मैं वापस आया तो यह सोने की मोहरे इसमें नहीं है। यह सारी मोहरे इसने ले ली है और यह मुझे वापस नहीं कर रहा। ऐसा वह आदमी है वह न्यायाधीश से कहता है। और अंत में हसन नाम का एक लड़का है वह अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करता है और अली ख्वाजा को जो उसकी मोहरे थी सोने की वह वापस दिलवा देता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। इस कहानी में सच्चा न्याय और व्यक्ति की बुद्धिमत्ता यानी कि उसकी चतुराई, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, समझदारी इस कहानी में हमें दिखाई देती है। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह बात इराक की है। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। इराक इसकी राजधानी है बगदाद। तो बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था उसका अली ख्वाजा और उस व्यापारी का नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरे इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। व्यापार करते करते उसके पास जब 1000 सोने की मोहरे है इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। जेम अपने हिंदू धर्म में अमरनाथ की यात्रा नो जेम महत्व छे, एवी ज रीतना मुस्लिम धर्म में पण छे ए मक्का शरीफ की यात्रा करवानो एटलू ज मोटू महत्व रहेलू छे। आ जे मक्का शरीफ नी जे जगह छे, जे मक्का मदीना में आवेली छे अने त्यां मुस्लिमोना पीरनी दरगाह छे, तो एनु यात्रा स्थल छे। जेम आपणो अमरनाथ छे ए भगवान शिवनो जे यात्राधाम छे अने लोको दूर दूर थी ए अमरनाथना दर्शन करवा माटे जाय छे अने अमरनाथनी यात्रा पवित्र गणवामां आवे छे, एवी ज रीतना मुस्लिम धर्ममां पण आ जे मक्का शरीफनी यात्रानो छे ए खूब ज मोटू महत्व रहेलू छे। एटले ज्यारे आ अली ख्वाजा पासे 1000 જેટલી સોના મહોરો એકઠી થઈ જાય છે ત્યારે તે મક્કા શરીફની યાત્રાએ જવાનું વિચારે છે। ચૂંકી વહ અકેલા રહેતા થા ઉસને અપની જમા પૂંજી અપને મિત્ર કા યહાં રખને કા નિશ્ચય કિયા। વહ અકેલા રહેતા થા, વહ કિસી કે સાથ નહીં રહેતા થા, વહ અકેલા થા, ઉસકા કુટુંબ નહીં થા, પત્ની માં પિતા યહ કોઈ ભી નહીં થા, ઇસીલિયે વહ શાયદ અકેલે રહેતા થા ઓર इसी कारण से उसने अपनी जमा पूंजी यानी कि इकट्ठे किए हुए पैसे सारे वह अपने मित्र के यहाँ रखने का उसने निश्चय किया कि मैं यात्रा करने जाता हूँ और यह पैसे है वह मैं अपने मित्र के यहाँ रख के जाता हूँ। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली। यात्रा में जो खर्च होगा खाने पीने का और रहने का, जो भी इंतज़ाम करना होगा उसके लिए जो खर्च होगा
उसके लिए अली ख्वाजा ने 500 मोहरे है वह अपने पास रख ली। फिर एक घड़े में बची हुए मोहरे डालकर तेल भर दिया और फिर एक घड़े में एक बड़े से डिब्बे में एक बड़े से घड़े में उसने सारी मोहरे रख दी और उसके ऊपर तेल डाल दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा है वह अपने मित्र वाजिद के घर जाकर उसे वह सोना मोहरे से भरा जो डिब्बा है वह उसके यहाँ रखने जाता है। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। वह वाजिद के यहाँ जाकर उसके घर जाकर उसे कहता है कि मैं मक्का शरीफ की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ और यह जो तेल का घड़ा है वह मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। यात्रा करने के बाद जब मैं घर आऊँगा तो इसे मैं वापस ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख कर आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रख कर यात्रा के लिए निकल गया। वाजिद है वह अपने तहखाने यानी कि एक अपने घर के अंदर के कमरे की चाबी देता है और बोलता है कि आप अपना घड़ा अपने हाथों से रख कर आइए और जब आप वापस लौटे तो उस स्थान से यह घड़ा भी वापस ले लीजिएगा। और अली ख्वाजा घड़ा रख कर यात्रा के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। एक दिन वाजिद के घर दावत थी, तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। एक दिन वाजिद के यहाँ एक बड़ी दावत रखी गई खाने पीने की, तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था, वाजिद की बीवी अपना सर खुजाने लगी कि अब तेल कहाँ से लाए, अगर और पकवान बनाने हैं और खाना बनाना है तो तेल तो चाहिए ही होगा, तो इतनी रात को तेल कहाँ से लाए। तो उसकी बीवी है वह सोचने लगती है, सर खुजाने लगी यानी कि सोचने लगती है कि अब तेल कहाँ से लाए। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई और तभी वाजिद को है अली ख्वाजा के जो तेल का घड़ा है उसकी याद आती है कि अली ख्वाजा अपना तेल का घड़ा यहाँ मेरे घर पर रख के गए हैं। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। वाजिद की पत्नी है उसे कहती है कि आप तहखाने में रखा हुआ जो अली ख्वाजा का जो तेल का घड़ा है उसमें से थोड़ा तेल निकाल के लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे, आज बाजार बंद है और इस समय बाजार में तेल मिलना मुश्किल है और क्योंकि पूरा बाजार बंद है इसीलिए आप अली ख्वाजा के घड़े में से थोड़ा तेल निकाल के ले आइए। ख्वाजा रात को आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। जब उसने घड़े का जो ऊपर का ढक्कन है वह तोड़ा और उसमें से तेल निकालने लगा तो उसके अंदर से उसको सिक्कों की आवाज़ आती है। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसे लगा कि इस तेल के घड़े में नीचे कुछ तो है, इसलिए उसने पूरे घड़े में से दूसरे बर्तन में पूरा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरे थी। उसने देखा कि इस घड़े में 500 सोने की मोहरे है। उसने इन मोहरों को अपनी तिजोरी में छुपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। उसने वह सारी मोहरे है वह उठाकर अपनी तिजोरी में छुपाकर उसने रख दी और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया।
उसे वैसे ही सिलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। सारे पैसे निकाल लिए और तेल अपनी बीवी को दे दिया और दूसरे दिन बाजार में से तेल खरीद कर उसमें तेल डालकर ठीक वैसे ही सिलबंद कर दिया जैसे अली ख्वाजा ने उसके घर खड़ा रखने से पहले उसे सिलबंद किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा है वह मक्का शरीफ की यात्रा करके फिर वापस आते हैं। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। जो सामान वह यात्रा में से कुछ न कुछ खरीद कर लाए थे वह सारा सामान अपने घर पर रख कर वह वाजिद के घर आते हैं और अपनी यात्रा की सारी बातें उसे बताते हैं। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया और फिर अपना जो तेल का घड़ा वाजिद के यहाँ रखा था जिसमें 500 सोने की मोहरें थी जो कि अब वाजिद ने निकाल ली थी, उसमें सिर्फ तेल ही था। तो अली ख्वाजा अपना तेल का घड़ा लेकर अपने घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब उसने घड़े में से तेल निकाल कर अंदर देखा तो एक भी सोना मोहर उसमें नहीं थी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसमें से सोने की जो 500 जो सोना मोहरे है वह कहाँ चली गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सिर पकड़कर बैठ जाता है क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। वह सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा। जैसे ही उन्होंने देखा कि इस खड़े में एक भी सोना मोहर नहीं है तो वह वाजिद के घर जाकर अपनी सोना मोहरे मांगने लगते हैं कि इस खड़े में मेरी 500 सोना मोहर थी, तुम मुझे वह वापस कर दो, तुमने ही ली है। वाजिद ने कहा कि सिलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। वाजिद है वह उससे बोलता है कि यह जो तेल का घड़ा है वह सिलबंद जैसे आपने किया था वैसा ही है और उसी स्थान से आपको वापस मिला है जहां पर आप रख कर गए थे। मैंने तो इसे छुआ भी नहीं, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि इसमें सोने की मोहरे थी, मैं कैसे मानूँ कि इसमें सोने की मोहरे थी। दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी। दोनों मित्र है वह कहा सुनी दोनों मित्रों में होने लगी, यानी कि लड़ने झगड़ने लगे। अली वाजिद कहते हैं कि इसमें सोने की मोहरे थी और वाजिद कहता है कि इसमें सोने की मोहरे नहीं थी और दोनों में कहा सुनी होने लगती है। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और दोनों में जो झगड़ा हो रहा था वह देखकर आसपास के लोग हैं वह इकट्ठे हो गए, एक स्थान पर जमा हो गए कि यह क्या चल रहा है। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लोगों ने अली ख्वाजा को कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, काजी यानी कि न्यायाधीश, न्याय करने वाला व्यक्ति, आप न्यायाधीश की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी। अली ख्वाजा है वह काजी की अदालत में जाकर अपनी बात रखते हैं, पूरी घटना सुनाते हैं कि मैं जब यात्रा जा रहा था तो यात्रा जाने से पहले मैं इस घड़े में 500 सोने की मोहरे रखकर और उसके ऊपर तेल डालकर अपने मित्र के यहाँ छोड़ के आया था, पर जब मैं वापस लौटा तो इसमें एक भी सोने की मोहरे नहीं थी। परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। परंतु कोई भी पक्का सबूत न होने के कारण अली ख्वाजा को काजी की अदालत से निराश लौटना पड़ता है क्योंकि अदालत के पास कोई सबूत
नहीं था कि वाजिद ने इसमें से सारी सोने जो सोने की मोहरें है वह चुराई है, उसका कोई सबूत नहीं था, तो वहाँ पर अली ख्वाजा को इंसाफ नहीं मिलता और वह निराश वहाँ से लौटते हैं। तब उसे बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा, और तब जो बगदाद के खलीफा वहाँ पर जो शासन करने वाला जो व्यक्ति था उसके पास न्याय की अपील की, न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफा ने यह पूरा मामला क्या है वह समझने के लिए कुछ समय मांगा। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। एक सप्ताह सोच विचार करने के लिए खलीफा ने समय मांगा और एक सप्ताह बाद सुनवाई के लिए कहा गया कि एक हफ्ते के बाद मैं न्याय करूंगा कि यह पूरा मामला क्या है। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। जब अली ख्वाजा और वाजिद की यह जो झगड़े की बात है, यह जो चोरी की बात है, वह खलीफा तक पहुंची तो सभी लोगों में यह किस्सा है वह प्रख्यात हो गया। लोगों को सबको यह जानने को मिला। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। जे आ पहलाना जे राजा रजवाड़ाओ हता ते वेश बदली अने पोताना नगर में छे ए फरवा माटे निकलता। शू काम? तो के एने खबर पड़ी सके के लोको एना माटे शू विचारे छे, पोताना शासन में कई वस्तु नी कमी छे, लोको में छे ए केटला दुख छे, लोकोने केटली मुश्केलीओ पड़ी रही छे, ए बधुं जाणवा माटे जो राजा पोते रथ में आवे तो ए लोको विषे जाणी सके नहीं, कारण के लोको छे ए बधुं सारू सारू ज बतावे। एटले वेश पलटो करी अने राजा छे ए फरवा माटे पोताना नगर में निकलता, पोतानुं नगर जोता, पोताना नगरना लोकोने जोता, पोताना नगर में जे कंई पण समस्याओ छे एने विस्तारपूर्वक जाणवा माटे ए वेश पलटो करी अने राजाओ छे ए फरवा माटे निकलता। तो एनी ज जेम आ खलीफा पण छे ए वेश बदली अने पोताना शहर में छे ए फरवा माटे जोवा माटे ए निकले छे। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। खलीफा जब अपने शहर में घूम रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ लड़के हैं वह कुछ खेल खेल रहे हैं, वह न्यायालय का खेल खेल रहे थे। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। बच्चे जो न्यायालय का खेल खेल रहे थे उनमें जो न्यायाधीश बना हुआ जो लड़का था वह खलीफा को बड़ा समझदार लगता है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। वह देखता है कि यह बच्चा है जो न्याय कर रहा है और जो फैसला सुना रहा है वह ठीक सुना रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि यह बच्चा बड़ा ही समझदार है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। इसी कारण जो खलीफा है उस बच्चे को, उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। लड़का कहता है कि मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। खलीफा उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा खेल देखा है, तुम बहुत समझदार हो, कल तुम हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। और अगले दिन जो खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन तीनों हाजिर हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का
किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफा हसन से कहते हैं कि तुम इन दोनों के जो झगड़े का है वह किस्सा सुनो, पूरी बात सुनो कि इनके झगड़े का कारण क्या है, और तुम बताओ कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया। हसन ने उनकी बातें है वह ध्यान से सुनी और फिर हसन ने दो तेलियों को बुलाया। तेलियों यानी कि तेल निकालने वाले व्यक्ति, तेल का व्यापार करने वाले व्यक्ति। थोड़ी देर में दो तेली आ गए और थोड़ी ही देर में वह दोनों व्यक्ति जो तेल का व्यापार करते हैं वह दोनों आ जाते हैं। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन उनसे कहता है कि आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। दोनों तेली है वह तेल को देखते हैं, सूंघते हैं और चखते भी है, फिर अपना निर्णय सुनाते हैं कि यह घड़े का तेल है वह 2 महीने पुराना है, इससे ज़्यादा यह पुराना नहीं है, इतना वह दोनों बोलते हैं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। दोनों तेलियों की बात सुनकर वाजिद है वह घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़े, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तो तभी मैंने तेल खरीदा था। तेली जैसे ही फैसला सुनाते हैं कि इस डिब्बे का तेल तो 2 महीने पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं है, और तेली के यह कहने से ही अली ख्वाजा का जो मामला है वह पूरा खलीफा के सामने आ जाता है। कैसे? क्योंकि अली ख्वाजा तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने के लिए गए थे, तो उनके डिब्बे का तेल तो 6-7 महीने पुराना होना चाहिए, पर इस डिब्बे का तेल तो मात्र 2 महीने पुराना था। तो तेलियों ने जैसा बताया कि इस डिब्बे का जो तेल है वह तो सिर्फ 2 महीने पुराना है, और इससे ही पूरा इंसाफ हो जाता है, क्योंकि जो अली ख्वाजा है वो तो 6-7 महीने पहले मक्का की यात्रा करने के लिए गए थे और तभी उन्होंने तेल खरीद कर इस डिब्बे में डाला था, तो वह तेल तो 6-7 महीने पुराना होना चाहिए, जबकि यह तेल तो मात्र 2 महीने पुराना था। इससे यह साबित हो गया कि इस घड़े में से जो तेल है वह निकाला गया और इसमें से जो सोने की मोहरे थी वह भी निकाली गई है और डिब्बे में नया तेल भरा गया है। तो डिब्बा किसके घर था? तो कि वाजिद के घर। तो यह पूरा काम है वह वाजिद ने ही किया है, ऐसा साबित हो जाता है। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़े, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। मैं जब 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तेलियों और अली ख्वाजा की यह बात सुनकर सबको वास्तविकता का, सत्य का ज्ञान हो जाता है कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, क्योंकि तेल 2 महीने पुराना था जो कि नहीं होना चाहिए था। इससे यह साबित हो गया कि डिब्बे का तेल बदला गया है, और जिसने भी इस डिब्बे का तेल बदला है उसने ही इस डिब्बे में से सोने की मोहरे है वह निकाली है। इससे साबित हो गया कि वाजिद ही चोर है, उसने ही सारी मोहरे ली है। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया और खलीफा को न्याय करने के लिए एक बड़ा सबूत मिल गया।
खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा है वह वाजिद से कहते हैं कि तुमने ही अली ख्वाजा के घड़े में से तेल निकाला है और मोहरे भी तुमने ही निकाले हैं। तुम यह सारी मोहरे है वह अली ख्वाजा को वापस कर दो और चोरी और विश्वासघात के अपराध की तुम सजा भुगतो। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया और यह इंसाफ करने के लिए खलीफा ने हसन को बहुत बड़ा और बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की और खलीफा के दरबार में जो लोग भी वहाँ पर हाजिर थे उन सभी लोगों ने हसन के जो सूझबूझ की और न्याय की बहुत सारी प्रशंसा की। तो यहाँ पर एक बच्चे द्वारा किए गए न्याय की बात की गई है कि एक बच्चे ने कैसे अपनी समझदारी के कारण यह पूरा मामला है वह समझ लिया और कौन सच्चा है और कौन झूठा व्यक्ति है वह समझकर उसने सच्चा न्याय कर दिया। जब बड़े बड़े राजाओं की समझ में कुछ ना आया तो एक बच्चे ने पूरा न्याय है वह कर दिया। तो समझदारी किसी की जागीर नहीं है, समझदार कोई भी हो सकता है, बड़ा भी और छोटा भी, इसलिए कभी भी किसी को हमें कम नहीं समझना चाहिए। तो इस पाठ के अंत में यहाँ पर कुछ शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं तो हम उन्हें भी जान लेते हैं। तो शब्दार्थ में अपील यानी कि निवेदन, अभाव यानी कि कमी, जांच यानी कि तपास, तहखाना जमीन के नीचे बना कमरा, एक छिपा हुआ कमरा, तेली तेल निकालने वाला व्यक्ति, पुरस्कार यानी कि इनाम, भूरी भूरी यानी कि खूब सारी, मोहर यानी कि सिक्का, वास्तविकता सच्चाई, विश्वासघात यानी कि धोखा देना, सबूत किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना यानी कि दंड भोगना, सूझबूझ यानी कि समझदारी। और मुहावरे भी हम यहाँ पर जान लेते हैं, सिर खुजलाना सोचना और समझ ना पाना कि क्या किया जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाना, आघात लगना, कहा सुनी होना, बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़कर बैठ जाना, हताश होना या फिर निराश होना। तो यहाँ पर हमारा यह जो छठा पाठ है वह पूर्ण होता है। थैंक यू, अस्तु।